चाइना में कोरोना के बीच MI ने लॉन्च कर दिया है EX1800 Wi-Fi 6 सपोर्ट के साथ अपना राउटर। तो इसका डिज़ाइन थोड़ा टावर के जैसा है और इसका डिज़ाइन अपने आप में थोड़ा यूनिक है, जो कि इसको ASUS और इसके और भी कंपटीटर जैसे नेटगियर और TP-Link D-Link से थोड़ा सा अलग बनाता है। तो आइए बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये लैस है एक क्वाड कोर चिपसेट के साथ जो कि क्वालकॉम से आता है IPQ6000। इसमें 4 कोर के प्रोसेसर्स हैं, एक NPU लगा हुआ है और इसमें लगभग 256 MB का रैम है और 128 MB का रोम है। वाईफाई 6 को अच्छी तरह सपोर्ट करता है, टावर जैसा डिज़ाइन है और इसकी प्राइस लगभग 3500 रुपये है। अगर आपको ख़रीदना हो तो MI.com पे जाके 15 मई में जो सेल लगने वाली है इसकी, आप खरीद सकते हैं। लगभग 3500 रुपये दाम है चाइनीज़ युआन में, इसको लगभग कन्वर्ट किया जाए तो। रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो Xiaomi ने इसमें लगाया है 4 तरफ एम्पलीफायर, जो कि इसकी जो कवरेज है उसको 50% तक बढ़ा देता है। साथ ही साथ इन्होंने OFDM तकनीक को भी यूज़ किया है, जो कि जो नेटवर्क का डिले है उसको 66% तक कम कर देता है। साथ ही इसमें जोड़ा गया है एक हीट सिंक, ताकि आपका राउटर गर्म ना हो और आपका परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब नहीं हो। और इसमें 128 डिवाइस तक एक साथ कनेक्ट आप कर सकते हैं, जिसकी स्पीड लगभग 1.7 GBPS तक की हो सकती है, जो कि आपके पहले वाले राउटर से लगभग 52 गुना ज़्यादा है। और इसमें डुअल बैंड वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है। तो कुल मिला के बेहतर पैकेज है अपने कंपटीटर, मतलब जो राउटर का जो कंपटीशन है मार्केट में, उसमें बने रहने के लिए MI ने अपने वाईफाई 6 से लैस वाला राउटर लॉन्च कर दिया है। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि और लोगों को इसकी ऐसी जानकारी मिल पाए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।